हाय यू गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? सो आज मैं फिर से लेके आई हूँ मीशो का हॉल। सो नवरात्रि इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो मैंने ना नवरात्रि के लिए कुछ कुर्तीज बाय की है मीशो से। बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत प्रीटी से भी है। सो आई होप आप लोगों को अच्छे लगेंगे। तो चलो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट अप वी हैव दिस ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की कुर्ती। सो ये कुर्ती पिक्चर में कुछ ऐसी दिखाई थी एंड जैसी दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। सो ये कुर्ती हमें रिसीव होती है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में। ऐसे वी नेक का पैटर्न मिलता है कुर्ती को एंड एक साइड पर स्लीवलेस दिया है एंड एक साइड पर हमें लॉन्ग स्लीव्स रिसीव होते हैं। एंड पूरी कुर्ती पर ना ये बांधने वाली सुंदर सी प्रिंट हमें मिलती है। एंड कुर्ती के योग पार्ट की बात करें तो कुर्ती के योग पार्ट पर ना बहुत ही सुंदर सा एम्ब्रॉयडरी का ये काम मिलता है। बहुत ही सुंदर सा, प्रिटी सा है एंड कलर भी वाइब्रेंट है ना, इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत सा लुक आया है इस पूरी कुर्ती को। एम्ब्रॉयडरी की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी की है, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले हैं। अल्सो यहाँ पर हमें रियर मिरर की डिटेलिंग भी मिल जाती है। यहाँ स्लीव्स पर भी हमें ये वाली एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिलती है एंड यहाँ पर नेक के बॉर्डर पर भी ये वाली डिटेलिंग हमें रिसीव होती है। अल्सो वन साइड के स्लीव्स के बॉर्डर पर हमें ये वाली बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है। सो कुर्ती की नीचे की साइड की बात करें तो कुर्ती के नीचे के साइड पर बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा बड़ा सा फ्लेयर हमें मिल जाता है। 4 लेयर का फ्लेयर मिलता है एंड पूरे कुर्ती पर ये वाली बांधने की प्रिंट हमें रिसीव होती है। सो कुर्ती के अंदर की साइड पर हमें लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का रिसीव होता है। सो कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड भी बहुत ज़्यादा प्यारी दी है। यहाँ पर ऐसे नेक पर ये जिगजैग पैटर्न में डिटेलिंग मिल जाती है एंड यहाँ पर ये टैसल्स दी है, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सुंदर सी, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी कुर्ती है। आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो कितना सुंदर सा डिजाइनर सा लुक आया है इस कुर्ती को। मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई ये वाली कुर्ती। इस कुर्ती की क्वालिटी वगैरह भी एकदम 10/10 वाली है। कुर्ती की हाइट वगैरह भी अच्छी खासी हमें मिल जाती है एंड घेरा की तो बात ही मत पूछो, बहुत ही ज्यादा प्यारा दिया है। ओवरऑल इसकी फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह भी 10/10 वाली है एंड इसका लुक भी बहुत प्यारा दिया है, आप ट्राई ऑन में देख ही सकते हो। सो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती लगी मुझे तो। इस कुर्ती में ना आपको कलर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, वाइन कलर एंड ब्लैक कलर। ऑल्सो इसमें ना साइजेस ऑप्शन भी मिल जाते हैं स्मॉल से लेकर डबल एक्सेल तक। मैंने इसमें स्मॉल साइज वियर की है। प्राइस की बात करें तो ये कुर्ती आपको 1036 रुपीज में मिल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी कुर्ती है गाइस, इस नवरात्रि के लिए तो एकदम परफेक्ट, एकदम डिजाइनर पीस है, जल्दी से ले लेना। सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्लैक कलर की कुर्ती। सो ये कुर्ती पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है। तो ये कुर्ती हमें रिसीव होती है रेयॉन फैब्रिक मटेरियल में एंड ये ऐसे राउंड नेक का पैटर्न मिल जाता है कुर्ती को एंड 3/4 स्लीव्स मिलते हैं। बस्ट एरिया पर ना ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी ये वाली पैचवर्क की डिटेलिंग मिल जाती है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर से वाइब्रेंट से कलर दी है इसमें एंड यहाँ पर ये शेल वाली डिटेलिंग हमें मिल जाती है एंड यहाँ पर ना यहाँ नेक पर टाई करने के लिए ये वाली ऐसे डिटेलिंग हमें मिल जाती है। यहाँ पर हमें सेपरेट नेकलेस बाय करने की ज़रूरत नहीं है, कुर्ती का ही हमें ये वाली डिटेलिंग एज अ नेकलेस हम इसे वियर कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाती है यहाँ पर भी। ये रियल मिरर वाला काम वगैरह मिल जाता है, बहुत ही सुंदर सा लुक है। यहाँ पर ये डिटेलिंग दी है यहाँ नेक एरिया पर टाई करने के लिए एंड यहाँ पर ये टैसल्स मिल जाते हैं। एंड कुर्ती की स्लीव्स की बात करें तो कुर्ती की स्लीव्स हमें 3/4 रिसीव होती है एंड कुर्ती के स्लीव्स के बॉर्डर पर भी हमें ये वाली एम्ब्रॉयडरी की बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है। देन ओवरऑल पूरी प्लेन मिल जाती है कुर्ती, कोई भी डिज़ाइन या लेस का पैटर्न नहीं मिलता। पूरी प्लेन भी है कुर्ती, कोई भी डिज़ाइन लेस बॉर्डर हमें नहीं मिलती। देन कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड भी हमें पूरी प्लेन मिलती है। सो कुर्ती को ना यहाँ से ना साइड से कट मिल जाती है, सो हम इसे डेनिम पर या लेगिंग्स पर ईजीली स्टाइल कर सकते हैं। देन कुर्ती को ना अंदर की साइड पर कोई भी लाइनिंग वगैरह रिसीव नहीं होती, बट मटेरियल इज नॉट ट्रांसपेरेंट। ओवरऑल कुर्ती का लुक बहुत ज़्यादा प्यारा है, सिंपल सोबर से कुर्ती है बट ये शेल वाली डिटेलिंग, ये पैच वर्क एंड नेक वाली डिटेलिंग से एकदम यूनिक सी लुक आ रही है इस पूरी कुर्ती को। सो इस कुर्ती के साइजेस की बात करें तो इसमें ना स्मॉल से लेकर एक्सेल तक साइजेस दी है। मैंने इसमें स्मॉल साइज वियर की है, आप ना वन साइज अप ही जाना। ओवरऑल स्मॉल साइज में इसका यहाँ पर फिट वगैरह तो अच्छा है बट स्लीव्स में ना ये मुझे थोड़ी टाइट हो रही थी। सो मैं तो सजेस्ट करूँगी कि अगर आप स्मॉल वेयर करते हो तो आप मीडियम बाय करना।
सो ओवरऑल इसकी फिट वगैरह तो अच्छी है एंड क्वालिटी भी डिसेंट सी लगी मुझे. सो चेक दिस वन आल्सो. सो नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्राइट पिंक कलर की कुर्ती. सो ये कुर्ती पिक्चर में कुछ ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही हमें रिसीव होती है. सो ये कुर्ती हमें मिल जाती है ड्यूपियन सिल्क फैब्रिक मटेरियल. कुर्ती को यहाँ पर स्क्वेयर नेक का पैटर्न मिल जाता है फ्रंट साइड पर एंड स्लीवलेस मिल जाती है कुर्ती. कुर्ती के बस्ट एरिया पर ना ये बहुत ज़्यादा सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी की एंड रियल मिरर वाली पैचवर्क की डिटेलिंग हमें मिल जाती है. कुर्ती को यहाँ पर जो स्लीव्स है ना उस पर भी हमें ये पैचवर्क की डिटेलिंग मिल जाती है. सो बहुत ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है उसकी वजह से भी. ओवरऑल हमें कुर्ती प्लेन मिल जाती है बट कुर्ती के एक साइड पर ना हमें ये गोटा पट्टी की लेस की डिटेलिंग मिल जाती है. यहाँ पर हमें ये शेल वाले पैचवर्क की डिटेलिंग मिल जाती है कुर्ती के वन साइड पर. देन कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती का बैक साइड वाला नेक ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा मिल जाता है हमें. यहाँ पर ये स्क्वेयर नेक का पैटर्न मिल जाता है कुर्ती के बैक नेक पर एंड यहाँ पर ये ऐसे शेल वाली टैसल्स की डिटेलिंग मिल जाती है. इसकी वजह से ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है इस पूरी कुर्ती को. एंड देन ओवरऑल बैक साइड की बात करें तो बैक साइड हमें प्लेन मिल जाती है, कोई भी बॉर्डर वगैरह हमें नहीं मिलती. कुर्ती को ना अंदर की साइड पर लाइनिंग भी मिल जाती है, लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का हमें मिल जाता है. एंड कुर्ती को ना दोनों साइड्स पर हमें ये कट की पैटर्न मिल जाती है. सो हम इसे डेनिम पर, स्कर्ट पर, लेगिंग्स पर इजीली स्टाइल कर सकते हो. सो ओवरऑल इसका कलर, इसकी पैटर्न, ये नेक वाली पैटर्न की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है इस कुर्ती को. एंड इसमें ना मैंने स्मॉल साइज वेयर की है, आपको इसमें स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर डबल एक्सएल तक साइजेस मिलते हैं ना. आपको कलर ऑप्शन भी मिलते हैं. इसमें ब्लैक कलर एक अवेलेबल है शायद. एंड इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको 530 rupees तक आपको ये मिल जाती है. सो डेफिनेटली चेक दिस वन. एंड नेक्स्ट अप वी हैव दिस ब्लू कलर की सुंदर सी सोबर सी कुर्ती. तो ये कुर्ती हमें पिक्चर में ऐसे दिखाई थी एंड जैसे दिखाई थी वैसे ही रिसीव होती है. सो ये कुर्ती हमें रिसीव होती है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में. कुर्ती को फ्रंट साइड पर स्क्वेयर नेक का पैटर्न मिल जाता है एंड स्लीवलेस मिल जाती है कुर्ती. तो कुर्ती के बस्ट एरिया पर हमें ये बहुत ज़्यादा सुंदर सी पैरिसी एम्ब्रॉयडरी की एंड रियल मिरर वाली डिटेलिंग मिल जाती है. बहुत अच्छे से काम वगैरह किया है, कहीं से भी धागे वगैरह नहीं निकले थे इसके. एंड ब्लू पर ये वाइब्रेंट कलर वाली एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग, इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा सुंदर सी लुक आ रही है ना इस कुर्ती को. साइड की बात करें तो कुर्ती के बैक साइड का नेक भी हमें स्क्वेयर नेक का ही मिल दिया है एंड कुर्ती के बैक साइड पे हमें पूरी प्लेन मिल जाती है. ये कुर्ती नायरा कट पैटर्न में रिसीव होती है तो ना इनर लाइनिंग ना हमें यहाँ तक बस्ट एरिया तक ही हमें इनर लाइनिंग मिलती है. सो नीचे की साइड पर हमें इनर लाइनिंग नहीं मिलती. सो कुर्ती के दोनों साइड पर ना हमें ये नॉट्स दिए हैं एंड ये टैसल्स वाली डिटेलिंग मिल जाती है. क्यूट दी है ना डिटेलिंग वगैरह भी. सो ओवरऑल मुझे तो प्यारी लगी कुर्ती, इसकी क्वालिटी वगैरह भी अच्छी लगी मुझे. इसमें ना मीडियम से लेकर डबल एक्सएल तक साइजेस दी है. मैंने मीडियम साइज वेयर की है सो थोड़ी सी लूज हो रही थी मुझे, मुझे स्मॉल साइज आती है बट आप इसे अल्ट्रा वगैरह करके इजीली स्टाइल कर सकते हो. प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है सिर्फ 390 rupees. सो ग्रेट डील लगी मुझे तो ये. सो डेफिनेटली चेक दिस कुर्ती ऑल्सो. सो नेक्स्ट वन वी हैव दिस स्पाइरल वाली अनारकली कुर्ती. तो ये कुर्ती पिक्चर में कुछ ऐसी दिखाई थी एंड जैसी दिखाई थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत वाली हमें रिसीव होती है. सो ये कुर्ती हमें रिसीव होती है जॉर्जेट फैब्रिक मटेरियल में. राउंड नेक का पैटर्न दिया है कुर्ती को एंड लॉन्ग स्लीव्स दिए है एंड कुर्ती के बस्ट एरिया पर ना हमें ये सर्कल वाली पैचवर्क की डिटेलिंग मिल जाती है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर सी डिटेलिंग दी है. आप खुद ही देख लो एकदम सुंदर से अच्छा सा काम किया है इस पर एम्ब्रॉयडरी का एंड रियल मिरर वाली भी हमें इस पर डिटेलिंग देखने को मिल जाती है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना. ब्लू पर ये ऑरेंज वाला कॉम्बिनेशन एकदम उभर के दिख रहा है. देन कुर्ती की नीचे की साइड की बात करें तो नीचे की साइड पर तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी सी हमें ये फ्लेयर सी होती है. 4 layer वाली हमें यहाँ पर ये फ्लेयर दी है एंड बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा फ्लोवी है. स्पीचलेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर से हमें इस पर ना फ्लेयर मिल जाती है. खुद ही ले देख लो इसने कितना सारा कपड़ा दिया है तो कितनी सुंदर से फ्लेयर आती होगी. देखो जॉर्जेट मटेरियल है ना, इसकी वजह से तो फ्लेयर का तो लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा, फ्लोवी सा, इजी ब्रीजी सा आ रहा है. एंड पूरी कुर्ती पर हमें ये लेहरी वाली पैटर्न देखने को मिल जाती है. बहुत ही ज़्यादा सुंदर है इसका कलर भी. फिर कुर्ती की बैक साइड की बात करें तो कुर्ती की बैक साइड भी हमें बहुत ही ज़्यादा प्यारे से रिसीव होती है.
कुर्ती के बैक साइड पर हमें ये जिगजैग वाली पैटर्न मिल जाती है एंड यहाँ पर ये नॉट्स दिए हैं विद दिस टैसल जितने, सो इसे हम एडजस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। ऑल्सो कुर्ती को ना अंदर की साइड पर लाइनिंग भी प्रोवाइड की है एंड लाइनिंग का मटेरियल भी अच्छी क्वालिटी का दिया है। कुर्ती को बॉर्डर वगैरह नहीं मिलती, ओवरऑल यहाँ पर हमें ये लेरिया पैटर्न ही मिल जाता है एंड ओनली कुर्ती पर ना ये वाली पैचवर्क एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिल जाती है। इस कुर्ती का फ्लेयर, इस कुर्ती की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दी है, एकदम 10/10 वाली क्वालिटी है। इसमें आपको ग्रीन कलर, पिंक कलर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो इस कुर्ती में ना हमें डिफरेंट साइजेस ऑप्शन भी रिसीव होती है। इसमें ना एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर ट्रिपल एक्सेल तक साइजेस ऑप्शन दी है। मैंने इसमें स्मॉल साइज वेयर की है एंड मुझे एकदम अच्छे से परफेक्टली स्मॉल साइज फिट आ रही थी। प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस है 1,235 रुपीज। ये तो ये प्राइस के हिसाब से एकदम वर्थ फॉर मनी लगी गाइस, आप इसे डेफिनेटली चेकआउट कर। इसमें आपको ना कलर ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ग्रीन, पिंक ऐसे कुछ दिए है, सो डेफिनेटली चेक दिस वन। सो मैंने ना ये वाली कुर्ती ऑर्डर की थी बट उस कुर्ती के बदले ना मुझे ये वाली कुर्ता सेट रिसीव हो गई है। व्हाट इज दिस मीशो, इतनी देर से मैंने मीशो की तारीफ की बट यहाँ पर एनीवेज। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को ये वाली कुर्तीज पसंद आए होंगे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे से कुर्तीज है। मैं सारे कुर्तीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट में किसका हॉल लेके आए आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड कौन सी वाली कुर्ती आपको ज़्यादा पसंद आई ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।